योर मिस्ट्री में अगेन हम आ गए हैं विद एक अगेन दूसरी मिस्ट्री को सॉल्व करने जो ये है वेरिएबल सॉल्विंग फॉर एक्स यानी 7.12 की बात कर रही हूँ मैं जो मिसिंग क्वेश्चन से खैर उसमें पूरी एक्सरसाइज ही मिसिंग थी मैंने प्लेलिस्ट चेक की ना तो उसमें सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही था तो उस टाइम मैं फ्री नहीं थी असल में तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए करवाया ताकि आपको पता चले कि किस तरह से इक्वेशन को एक्स वेरिएबल के लिए सॉल्व किया जाता है एंड नाउ हम लोग सॉल्व करेंगे द होल रिमेनिंग एक्सरसाइज इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके और हमारी है इक्वेशन वाई की फॉर्म में गिवन है इसको हम लोग ने एक्स के लिए सॉल्व करना है तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर सबसे पहले इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे ठीक है एंड इक्वेशन 1 को इन द फॉर्म ऑफ एक्स हम लोग किस तरह से लिखेंगे लेट्स सी एक्स एफ ऑफ वाई पी का फॉर्म जो है वो हमें बनाना है ये हो जाएगा वाई बाई पी एंड 2x प्लस 4 पी ऑफ वाई पी कॉमन ले लें एंड डिवाइड कर दीजिए ठीक है नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई ठीक है सो ये हो जाएगा हमारे पास या फिर इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x माइनस y ऑफ p बल्कि इक्वल टू y ऑफ p माइनस 4p ऑफ y ठीक है नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y सही नाउ ये हो जाएगा हमारे पास किस वाले को करें इस वाले को करते हैं सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ d ऑफ x बाय d ऑफ y इक्वल टू 4y क्या हो जाएगा yp क्या आ जाएगा 1y आ जाएगा 1y नहीं 1p y का तो डेरिवेटिव 1 होता है तो 1/p आ जाएगा हमारे पास माइनस 4py है हमारे पास तो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल से करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास प्लस y माइनस 1/p स्क्वायर dp बाय d ऑफ y माइनस ऑफ 4p माइनस 4y dp बाय d ऑफ y सो यहाँ पर मैंने क्या किया यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है और यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है ठीक है तो दिस इज़ द फर्स्ट ये वाला एंड ये वाला ये सेकंड है ठीक है तो प्रोडक्ट रूल दोनों में अप्लाई करना है मैंने इससे ज़्यादा डिटेल में प्रोडक्ट रूल नहीं बताया क्योंकि प्रोडक्ट रूल मैं पीछे बहुत ही ज़्यादा दफ़ा बता चुकी हूँ कि डेरिवेटिव में किस तरह से हम प्रोडक्ट रूल को जो है यूज़ करते हैं ठीक है सो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को लेके मैं ऊपर चलूँगी सो यहाँ पर जो है हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की जगह हम पी लगाएंगे ये हो जाएगा 2p एंड अब जो pp वाले टर्म है उनको एक जगह पे कर देंगे या फिर इस पूरी इक्वेशन को एक जगह पे कर देंगे ठीक है सो ये हो जाएगा 2p बाय माइनस 1/p 4p और हमें पता है कि किस तरह से हम dp बाय d ऑफ y को कॉमन लेते हैं ठीक है तो ये हो गई हमारी न्यू इक्वेशन इस इक्वेशन से हमने किस तरह से ये बनाया dp इधर से कॉमन ले ले और ये जो है एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा ठीक है सो चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पे यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे ये हो जाएगा 1/p प्लस 4p प्लस यहाँ से y ले लें कॉमन तो 1/p स्क्वायर प्लस 4 dp बाय डी ऑफ y अपनी जगह पे आ जाएगा ठीक है नाउ अगर यहाँ पर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं यहाँ से p को कॉमन ले लें ठीक है यहाँ से p को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/p स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस y एंड 1/p स्क्वायर प्लस ऑफ 4 विद dp बाय d ऑफ y इक्वल टू 0 अपनी जगह पे अब अगर हम देखें तो इससे ये वाला एक फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर बन जाएगा तो दिस विल बी p प्लस y एक हो गया ठीक है p प्लस y के साथ dp भी लगाएंगे dp बाय d ऑफ y एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर
वन बाई पी स्क्वेयर प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर हम लोग कौन सा फैक्टर यूज़ करने वाले हैं, जिसमें डी पी बाई डी ऑफ वाई हो, जैसे हम लोग पीछे इक्वेशंस में यूज़ करते थे। जैसे हमने इक्वेशन को सॉल्व किया पी के लिए, देन हमने यूज़ किया वाई के लिए, अब एक्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो मेथड वही रहेगा, बस इसमें वेरिएबल्स होंगे वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। सो ये वाला जो है इधर चला जाएगा डिवीजन में, ज़ीरो पूरा बन जाएगा एंड दिस इक्वेशन विल बी रिमेन। सो दिस विल बी पी प्लस वाई डी पी बाय डी ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये वाली इक्वेशन हमारे पास ख़त्म हो गई है। नाउ इसको सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स को सेपरेट भी करेंगे, सेपरेट वेरिएबल्स और इंटीग्रेशन जो है एक साथ अप्लाई करेंगे। तो देखें पी यहाँ पर आ जाएगा और ये जो दो है एक साइड पर चले जाएंगे, ठीक है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे डी पी, या फिर इस डी पी को नीचे भेज दें, ठीक है। सो ये पी के नीचे आ जाएगा, बट हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे नहीं, इसको अलग तरीके से करते हैं। किस तरह से करेंगे, डी वाई और डी वाई उधर चला जाएगा एंड वाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं डी पी नीचे करूँगी ना, तो फिर हमारा फंक्शन जो सही नहीं बनेगा। देखें किस तरह से, अगर मैं इसको नीचे कर दूँ तो पी बाय डी पी बनेगा एंड प्लस वाई बाय डी ऑफ वाई बनेगा इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास डी पी बाय पी प्लस डी वाई बाय वाई इक्वल टू ज़ीरो। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स पर अप्लाई कर दें, फंक्शन डेरिवेटिव लॉग पी, फंक्शन डेरिवेटिव लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी। जब बोथ साइड पर लॉग हो तो लॉग सी के साथ भी लगा लेते हैं हम लोग, ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा प्रोडक्ट, लॉग का रूल लगेगा, पी वाई लॉग लॉग सी, लॉग लॉग कैंसिल, हमें पता है ये सारा काम, क्योंकि हम ये बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। सो इसको हम सिंपली सिंपली सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास पी वाई इक्वल टू सी, एंड हमें चाहिए क्या, पी की वैल्यू, तो पी इक्वल टू सी ऑफ वाई। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे। इक्वेशन वन कौन सी थी, जो हमने फंक्शन जो हमें दिया गया था, इक्वेशन जो हमें दी गई थी उसी को हमने इक्वेशन नंबर वन बोला था। वो इक्वेशन थी y इक्वल टू टू पी, तो p की जगह हम सी वाई लिखेंगे, एंड x था साथ में प्रोडक्ट में, प्लस फोर पी स्क्वेयर था तो सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो जाएगा, एंड साथ में y था तो हम यहाँ पर y लिख देंगे। ओपन अप करेंगे, सॉर्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा y इक्वल टू टू सी टू एक्स सी वाई, टू एक्स सी बाई वाई प्लस फोर सी स्क्वेयर वाई वाई कैंसिल हो जाएगा तो एक वाई रह जाएगा, ठीक है। एंड नाउ हमें पता है कि हम इस तरह से इक्वेशन को ख़त्म नहीं करते, डिवीजन हटा देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो एक परफेक्ट आंसर हो जाएगा, उसमें फिर आगे कोई भी हमें कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वाई को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई स्क्वेयर हो जाएगा टू एक्स सी प्लस फोर सी स्क्वेयर, एंड दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी सॉल्यूशन आ चुकी है, होके सबको समझ आ गया होगा। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर।